हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। कैसा रहा आपका टेस्ट? आई होप आपने बहुत अच्छा किया होगा और आपको अच्छा करना है। ये आपका, ये समझो मैच के जो फाइनल अंतिम जो ओवर हैं वो आप खेल रहे हैं। इसमें अपनी पूरी जान लगा दें और बेटर तैयारी करें, ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन पेपर डिस्कस करेंगे, DTS 31। इसमें अपन ने जो टॉपिक कवर किए हैं वो है कैपेसिटेंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड ए मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले अपन सेक्शन ए के ऊपर आते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर 10 सिंगल चॉइस और 2 पैराग्राफ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल चॉइस का पहला क्वेश्चन है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं इसको क्या कह रहा है। 3 कंडक्टिंग स्फीयर ABC आर शोन इन फिगर। The radii of spheres are A, B and C respectively. A and B are connected by a conducting wire. A और B दोनों क्या है बेटा? एक conducting wire से connected है। ये बड़ी important बात इसने बोली है। The capacity of a system. तो यहां पर देखो क्या है बेटा, ये 3 स्फीयर है, ठीक है। इसकी रेडियस है ए और इसकी रेडियस है बी और इसकी रेडियस क्या है? सी है, ठीक है। देखो ये दोनों स्पेयर जो है वो क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है कंडक्टिंग वायर से। जब ये कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है, डेफिनेटली ए एंड बी बोथ आर एट सेम पोटेंशियल। दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे, ठीक है बेटा। इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा, ठीक है। तो देखो वास्तव में देखा जाए तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, हम इसका आंसर डायरेक्ट ये दे सकते हैं कि अगर मान लो ये कंडक्टर जो है वो एक दूसरे से इस कंडक्टिंग वायर से जुड़ा हुआ है, सेम पोटेंशियल पे होंगे, तो चार्ज जो रहेगा वो इसके ऊपर 0 रहेगा। टोटल चार्ज जो रहेगा वो कहां रहेगा? केवल इसकी सरफेस पर, यहां पर ही रहेगा, ठीक है। जो बी स्पेयर है, बी स्पेयर की सरफेस पे रहेगा, ऐसा हम मान रहे हैं। ऐसा क्यों मान रहे हैं, इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखो ये जो अंदर वाला स्पेयर है, इसकी रेडियस है मान लो ए, यहां पर पोटेंशियल जो है वो नेट पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V1 ड्यू टू स्पेयर ए, ठीक है, प्लस V2 ड्यू टू स्पेयर बी। ये दूसरा स्पेयर है क्या? बी, ठीक है। ये यहां का पोटेंशियल है बेटा, ठीक है। अब यहां का पोटेंशियल जो बी है, इसका क्या हो जाएगा? V1 ड्यू टू दिस प्लस ए V2 ड्यू टू बी, बी स्पेयर की वजह से, ठीक है। तो बी पे चार्ज है मान लो क्यू बी और इसके ऊपर चार्ज है क्यू ए। मैं पहले ये मान के चल रहा हूं, एक्चुअली वास्तव में देखा जाए तो ए के ऊपर चार्ज 0 रहेगा, हम ये मानेंगे, लेकिन यहां पे मैं मान के चल रहा हूं पहले कि यहां पे क्यू ए है चार्ज। तो देखो इस पॉइंट पे बी की वजह से पोटेंशियल कौन सा होगा? V2 जो होगा वो कौन सा होगा? सरफेस वाला पोटेंशियल होगा, ठीक है। और इससे बी की वजह से इनर पॉइंट में जो होता है सरफेस, वो भी क्या होता है? सरफेस वाला ही होता है। इसका मतलब ये V2 जो है वो भी कौन सा है? सरफेस वाला है। तो ये दोनों पोटेंशियल क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इनर पॉइंट का V1 प्लस V2 ये किसके लिए है? इनके लिए है, इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये आउटर जो है, B जो है उसके सरफेस का पोटेंशियल ले रहा हूं मैं। तो देखो V2 दोनों सरफेस वाले हैं, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसका मतलब अंदर वाले पे जो पोटेंशियल है इस Q1 चार्ज की वजह से वो, और यहां बाहर वाले के सरफेस पे जो पोटेंशियल है इस QA चार्ज की वजह से, वो दोनों क्या आ रहे हैं? बराबर आ रहे हैं। तो देखो आउटर पॉइंट पे ये जो वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है? आउटर पॉइंट नहीं है कि इस सरफेस से, आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल जो है वो सरफेस के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। ये तभी हो सकता है जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या हो? 0 हो।
इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, जब यहां पे इस क्यू ए की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जो ए स्पेयर है वो क्या है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज केवल कहां रहेगा, बी पे और सी के ऊपर रहेगा, ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं ए और बी। तो वास्तव में देखा जाए तो इसका जो इक्विवेलेंट जो सर्किट हम बोल सकते हैं, ये कह सकते हैं कि ये दो कंसेंट्रिक स्पेयर है, ठीक है, ये बी रेडियस का बी है और ये सी है, ये इसकी रेडियस बी हो गई और ये क्या हो गई सी। तो ये दो स्पेयर का जो कैपेसिटी रहेगा इसको इसके इक्विवेलेंट अपन मान सकते हैं, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता है, डायरेक्ट आप इसकी कैपेसिटी बता सकते हैं, वो क्या रहेगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी इनटू सी बाई सी माइनस बी हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर कौन सा, सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ए नेटवर्क ऑफ फोर कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी इक्वल टू सी वन की वैल्यू जो है वो क्या है, सी है, सी टू की वैल्यू क्या है, टू सी है, और सी थ्री की वैल्यू क्या है, थ्री सी है, ठीक है, एंड सी फोर इज फोर सी, आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन फिगर, V वोल्ट की एक बैटरी है, इससे कनेक्टेड है, द रेशियो ऑफ चार्ज ऑन सी टू एंड सी फोर, सी फोर पे और सी टू पे चार्ज का रेशियो क्या रहेगा वो देखते हैं अपन। तो देखो एक चीज, ये तीनों के तीनों जो हैं, वो क्या है, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इस सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 1 बाई सी डेस इज इक्वल टू 1 बाई 3 सी प्लस 1 बाई 2 सी प्लस 1 बाई सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना 6 सी, आप क्या ले लो एलसीएम ले लोगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 3 प्लस ये 6 क्या हो जाएगा 11 बाई 6 सी। तो सी डेस की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहां पर, 6 c by 11 आ जाएगी, ठीक है, वेरी गुड। अब देखो यहां पर ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, सीरीज में जो कैपेसिटर कनेक्टेड होते हैं उन पे चार्ज सब पे क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, इस पे भी क्यू चार्ज रहेगा, इस पे भी क्यू रहेगा, इस पे भी क्या रहेगा, क्यू रहेगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, मान लो c2 पे चार्ज जो है वो q2 है, तो हमारे पास ये हो गया कि ये q2 चार्ज रहेगा, ठीक है, और इसे 4C पे चार्ज जो रहेगा वो क्या रहेगा, Q4 रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। तो देखो यहां पर ये कॉम्बिनेशन और ये कॉम्बिनेशन दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे के पैरेलल में है कि नहीं है, पैरेलल में होते हैं तो जो चार्ज होता है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्यों, पैरेलल में V क्या रहता है, सेम रहता है, तो V कॉन्स्टेंट बोलेंगे, तो Q is equal to क्या होता है, CV, V constant हो गया, Q directly proportional to आप क्या बोल सकते हैं, C बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो Q2 by Q4, Q2 क्या है, C2 पर चार्ज है और C4 पे चार्ज क्या है, Q4 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q2 पे चार्ज जो रहेगा वो इसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस है वो क्या आ जाएगा बेटा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 6 सी बाई 11 आ गया, बाई सी फोर कितना हो जाएगा 4 सी, सी से सी को कैंसिल कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये 2 हो गया, 11 टू 2 क्या हो जाएगा 3 बाई 22 रहेगा, ठीक है। हाँ यहां पर ये ध्यान रखना कि इसको आप इफेक्टिव कैपेसिटेंस आप मान रहे हैं, ये कितना है 6 सी बाई 11 है और ये क्या है 4C है और इनके साथ ये V वोल्ट की एक बैटरी कनेक्टेड है, तो इस पे वोल्टेज V सेम रहेगा, इस पे वोल्टेज क्या है V सेम है, तो इन दोनों में जो चार्ज है वो कैपेसिटेंस के रेशियो में जाएगा, ठीक है। और ये जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाली है वो तीनों के कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन से है, तो सीरीज में सब पे चार्ज क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग 3 बाई 22 अपना आंसर आ रहा है, तो आंसर अपना सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक सिंपल और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम ऑफ कैपेसिटर इन फिगर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में अपने को कैपेसिटेंस कितनी होगी वो देखना है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये दोनों अगर अपन देखें तो ये क्या है बेटा,
सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो, और आइडेंटिकल है टू माइक्रोफेरेड टू माइक्रोफेरेड, तो इसकी इक्विवेलेंट, इस कॉम्बिनेशन की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी सीरीज के लिए, एन आइडेंटिकल होते हैं तो एन से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब टू बाई टू कितना हो जाएगा वन माइक्रोफेरेड, ये वन माइक्रोफेरेड और ये भी वन माइक्रोफेरेड, ये दोनों क्या है बेटा एक दूसरे के पैरेलल में है, पैरेलल में है, इसका मतलब इन दोनों की इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी वन प्लस वन, पैरेलल में सी वन प्लस सी टू, मतलब टू माइक्रोफेरेड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी टू माइक्रोफेरेड। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन गया, ये ए पॉइंट है, उसके बाद में ये क्या है टू माइक्रोफेरेड हो गया, ठीक है, उसके बाद में ये टू माइक्रोफेरेड और ये वन माइक्रोफेरेड, वन और ये कितना है टू माइक्रोफेरेड, ये क्या हो गया बी हो गया। ये दोनों अगर देखें तो ये क्या है बेटा एक दूसरे के सीरीज में है, तो सीरीज में क्या हो जाएगा टू बाई वन हो जाएगा, इसका मतलब वन माइक्रोफेरेड, तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगी, ये कैपेसिटर म्यू सॉरी वन माइक्रोफेरेड और ये एफ है बेटा, आर नहीं है, ठीक है ना, हाँ वन माइक्रोफेरेड और इसके पैरेलल में ये दूसरा क्या हो गया वन माइक्रोफेरेड, ये दोनों एक दूसरे के क्या है पैरेलल में है, ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी हो गया, दोनों पैरेलल में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, वन प्लस वन कितना हो जाएगा टू माइक्रोफेरेड, तो कैपेसिटेंस जो आएगी वो कितनी हो जाएगी टू माइक्रोफेरेड हो जाएगी, तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा सेकंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच की तुल्यधारिता बतानी है अपने को। देखो ये इनफाइनाइट लूप का एक प्रॉब्लम है और इस ऐसे क्वेश्चन के अंदर अपने को के फैक्टर यूज करना पड़ेगा। मैं पहले लूप को देखता हूं तो देखो यहां पे टू माइक्रोफेरेड है और यहां पे क्या है वन माइक्रोफेरेड है, फिर यहां पे देखो ये फोर आ रहा है, ये क्या आ रहा है टू आ रहा है, मतलब इस लूप को यहां से और यहां से देखें तो इन दोनों को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाला लूप बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। आगे देखो अब इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एट हो जाएगा और टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये फोर हो जाएगा, फिर आगे मतलब टू टाइम्स होते जा रहा है, कितने टाइम्स हो रहा है टू टाइम्स होते जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन की अप्रोच देखो यहां पे टू टाइम्स हो रहा है, हो सकता है ये के टाइम्स हो, तो इसको हम इसीलिए हम कहते हैं कि के टाइम्स अप्रोच जो के फैक्टर है वो आपको लगाना पड़ेगा। तो यहां पर देखो अगर ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम मानते हैं सी है, तो ये पहला जो एलिमेंट है इसका सर्किट का वो टू माइक्रोफेरेड है और उसके बाद में ये क्या है वन माइक्रोफेरेड है और ये लूप कम कर देंगे, तो इसके बीच में सी है, इसका मतलब नेक्स्ट वाला इन दोनों पॉइंट के बीच में इसको रिमूव करने के बाद में इन दोनों पॉइंट के बीच की जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी वो इस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की के टाइम्स होगी, यहां पे के की वैल्यू क्या है टू है, तो ये क्या हो जाएगा टू सी, ठीक है कि नहीं है। चलो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे बेटा, ये दोनों क्या है पैरेलल में है तो इन दोनों का क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए पॉइंट है ये हो गया टू माइक्रोफेरेड और ये क्या हो गया यहां पर वन प्लस टू सी, और सी जो है वो माइक्रोफेरेड में ले रहे हैं अपन, माइक्रोफेरेड में अपना आंसर आएगा ध्यान रखना, ठीक है। और ये क्या हो गया पॉइंट बी हो गया, तो इन दोनों के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सी, तो वन बाई सी इज इक्वल टू, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो क्या हो जाएगा वन बाई टू प्लस वन बाई वन प्लस टू सी, ठीक है। आप क्या करोगे टू सी प्लस वन इंटू आप टू कर देंगे, एलसीएम ले लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा टू सी प्लस वन प्लस ये क्या हो जाएगा टू और ये वन बाई सी, तो ये क्या आ जाएगा देखो टू सी प्लस थ्री डिवाइड बाई ये फोर सी प्लस टू
और ये 1 बाई सी हो गया। इसको इधर ले आओ, 4c प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2c स्क्वायर प्लस 3c। ये 3c से ये 4c माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे केवल c बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया, 2c स्क्वायर। ये c जो बचा इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस सी प्लस नॉट प्लस, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है हमारे पास। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपन, तो रूट्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे देखो ये c के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो a की वैल्यू तो ये है 2 और b की वैल्यू माइनस 1 है और c की वैल्यू क्या है माइनस 2 है। तो वास्तव में देखा जाए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो c है वो क्या हो जाएगी बेटा, c इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, मतलब माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2 इंटू सी की वैल्यू क्या है बेटा माइनस 2 डिवाइड बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा a, तो वो भी 2 है। तो ये माइनस था ना, यहाँ पे b की वैल्यू माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 17 नहीं हो जाएगा क्या, अपॉन में 4 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रूट 17 की वैल्यू डेफिनेटली 4 प्लस 1 होगी, सॉरी 4 में से बड़ी होगी, 4 से बड़ी होगी। तो ये नेगेटिव में 4 है, प्लस का 1 रहेगा, तो नेगेटिव कैपेसिटेंस तो लेंगे नहीं अपन, तो c का वैल्यू जो रहेगा केवल प्लस साइन लेना पड़ेगा, 1 प्लस रूट 17 बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहां से अपना आंसर चेक कर लो कौन सा आंसर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, तो 1 प्लस रूट 17 बाई 4 और हाँ माइक्रोफेरेड के अंदर, माइक्रोफेरेड के अंदर आंसर आ जाएगा। तो अपना आंसर करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चे, फोर्थ का फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ही बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, 4 आइडेंटिकल लॉन्ग एल शेप वायर इज कैरिंग करंट आई हैव बीन अरेंज्ड एज शोन इन फिगर, ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द फोर कॉर्नर। यहां से और यहां से और यहां से यहां से सब जगह से इक्विडिस्टेंस पॉइंट कौन सा रहेगा, ये यहां पे सेंटर पे रहेगा, इस पॉइंट को ओ मान लो। ठीक है बेटा, अब देखो जैसा सिचुएशन इस वायर के लिए है वैसा सिचुएशन ही क्या है इस वायर के लिए है, मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन का क्या मुद्दा रहेगा। इसकी वजह से देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पे करंट, इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा आउटवर्ड्स, यहां पे इस वायर की वजह से आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, तो ये आउटवर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर दे दिया। और इसकी वजह से क्या रहेगा, देखो ऐसे देखो आप फिंगर्स अंदर जा रही है, इसका मतलब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहा अंदर की तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड ने इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दिया पॉइंट ओ पे। ठीक है, सिमिलरली अगर अपन बात करें इस वायर के लिए और इस वायर के लिए, तो इसके लिए भी देखो इस पॉइंट से कुछ a by 2 डिस्टेंस पे कुछ ऐसे और a by 2 हॉरिजॉन्टली ऐसे और a by 2 ऐसे, सिमेट्रिक सिचुएशन है इसके लिए और इसके लिए, दोनों के लिए। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा अंदर की तरफ, और इसकी वजह से किधर रहेगा बाहर की तरफ आएगा ना, यहां पे बाहर की तरफ रहेगा, तो ये पॉइंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसको ये कैंसिल कर देगा। सिमिलरली इसका मैग्नेटिक फील्ड आप चेक करो और इसका मैग्नेटिक फील्ड चेक करो, दोनों के लिए सिमिलर सिचुएशन रहेगी। तो इसकी वजह से किधर रहेगा, देखो करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स कहां है, बाहर की तरफ आ रहा है ना इधर की, यहां पर, तो ये डॉट वाला मैग्नेटिक फील्ड, और इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन में, तो इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा यहां पॉइंट ओ पर, तो इनवर्ड डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इसको ये कैंसिल कर देगा। सिमिलरली इसका इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब
हर एक पेयर जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कह रहा है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंसुलेटेड लॉन्ग कंडक्टिंग वायर कैरिंग इक्वल करंट आई इंटरसेक्ट एट ओरिजिन, देन द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी। ये देखो, ये इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर है, ऐसे ही ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। इसको नंबर वन दे देते हैं, इस वायर को अपन नंबर टू दे देते हैं। ठीक है, अब देखो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो है उसकी वजह से बी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई ए होता है, जहां पे ए क्या है, उस वायर से उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां पर देखो इस पॉइंट पर एक नंबर जो वायर है, इस एक नंबर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, बाहर की तरफ आएगा, और इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगी वो वाई कोऑर्डिनेट मतलब 3 रहेगी, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी, 2 रहेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो बी वन की अगर अपन बात करें तो बी वन कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई। ठीक है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बेटा, 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 6। तो B1 is equal to क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 6 पाई हो जाएगा। चलो इसकी बात करें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन किधर है बेटा, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन हो गई प्लेन के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आप पेपर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन। नाउ B2 की अगर अपन बात करें इस पॉइंट पे, तो करंट ऐसे ऊपर फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किधर रहेगी, B2 जो रहेगा वो पेपर के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट करंट सेम है आई अपॉन में 2 पाई इनटू परपेंडिकुलर, इसकी डिस्टेंस है 2 और इसकी डायरेक्शन रहेगी ये, तो B2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे यहाँ पे, डायरेक्शन भी दे रहे हैं ना, तो बी टू वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 और ये क्रॉस। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, बी वन वेक्टर प्लस बी टू वेक्टर, दोनों का वेक्टर एडिशन कर देंगे आप लोग। ठीक है, तो वेक्टर एडिशन करने के बाद में देखो रिजल्टेंट की डायरेक्शन किधर होती है, दोनों जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी बड़े वेक्टर की तरफ। ठीक है, और मैग्नीट्यूड किसके इक्वल रहेगा, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसके डिफरेंस के इक्वल रहेगा। ठीक है, चलो तो बड़ा कौन सा है, ये है, और छोटा कौन सा है, ये, इसका मतलब इसके अलोंग रहेगा, और मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, बी नेट का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई माइनस म्यू नॉट आई अपॉन में 6 पाई। अपन क्या करते हैं 12 पाई एलसीएम ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 म्यू नॉट आई माइनस 2 म्यू नॉट आई, तो ये 1 म्यू नॉट आई बचेगा, तो बी नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट आई अपॉन में 12 पाई। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है अपना, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो थर्ड अपना आंसर, अगर इसमें बाय चांस डायरेक्शन पूछता तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा, बी नेट की जो डायरेक्शन रहेगी वो बड़े वेक्टर मतलब बी टू वेक्टर वाली डायरेक्शन रहेगी, क्रॉस प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल हैविंग चार्ज क्यू इज इक्वल टू कितना है बेटा, 1 कूलम है, मास m इज इक्वल टू 1 kg है। ठीक है, मास कितना है 1 kg, स्पीड v इज इक्वल टू क्या है 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है,
एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हैविंग मैग्नेटिक इंडक्शन 1T. B इज इक्वल टू कितना है 1 टेस्ला है. एट एन एंगल 30 डिग्री बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक इंडक्शन B और V के बीच का एंगल है ये. द पिच ऑफ इट्स हेलिकल पाथ, देखो ये क्या है, बी वेक्टर है. बी वेक्टर के साथ 30 डिग्री एंगल पे, थीटा एंगल मतलब 30 डिग्री है उसके साथ, वी वेक्टर के साथ ये एंटर कर रहा है. तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, इधर की तरफ क्या हो जाएगा वी कोस 30 डिग्री और ये क्या रहेगा बेटा वी पैरेलल रहेगा कंपोनेंट वेलोसिटी का बी के, ठीक है. और दूसरा जो है वो क्या हो जाएगा, ये रहेगा वी परपेंडिकुलर. वी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, वी साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है. तो वास्तव में देखा जाए तो इसके पास जो पाथ रहेगा वो हेलिकल पाथ रहेगा, थीटा एंगल होता है. तो अगर ये पूरा वेलोसिटी 90 डिग्री पे रहता तो ये केवल क्या करता, सर्कुलर मोशन करता. और अगर पूरा वेलोसिटी बी के अलोंग रहता तो फोर्स जो है वो डिफेक्ट, इसको डिफ्लेक्ट नहीं करता, ये लीनियरली मोशन करता, स्ट्रेट लाइन के अलोंग जाता. तो यहां पर इसका पाथ कैसा रहेगा बेटा, हेलिकल पाथ रहेगा कुछ ऐसा, ठीक है. तो ये कंपोनेंट इसको सर्कुलर मोशन में और ये कंपोनेंट इसको लीनियर मोशन करवाएगा. तो दोनों मोशन रहेगी तो ये कुछ ऐसा हेलिकल पाथ रहेगा, ठीक है. चलो अब देखो हेलिकल पाथ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ठीक है. तो देखो इसने यहां पे एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना डिस्टेंस आगे जाता है, लीनियर डिस्टेंस, वो लीनियर डिस्टेंस क्या होती है, पिच होता है. तो पिच कैसे कैलकुलेट करोगे, पिच इज इक्वल टू क्या होता है, वी पैरेलल कंपोनेंट जो है उसकी वजह से आगे जाएगा. और कितने टाइम में, टी टाइम में, आपको कैपिटल टी टाइम में आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है. तो ये देखो वी पैरेलल क्या हो जाएगा, वी की वैल्यू वी कॉस 30 डिग्री इंटू मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ये सर्कुलर पाथ पे चलेगा. तो एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 2 पाई एम अपॉन में क्यूबी. तो ये देखो v की वैल्यू 1 रखो, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3/2 होती है, इंटू 2 पाई, इंटू m की वैल्यू 1, q की वैल्यू कितनी है 1 है, और m की वैल्यू भी, v की वैल्यू भी कितनी है 1 है. तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पिच कितना आया, पिच जो है वो रूट 3 इंटू पाई आया, रूट 3 इंटू पाई और मीटर में अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है. तो अपना आंसर कौन सा, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा. हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखते हैं. ए स्क्वायर लूप ए बी सी डी कैरिंग ए करंट आई इज प्लेस्ड नियर एंड को प्लेनर विथ लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर एक्स वाई कैरिंग ए करंट आई द नेट फोर्स ऑन लूप इज. देखो ये एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, इसी के प्लेन में यहां पर ये एक एबीसीडी एक लूप रखा हुआ है, इसमें ऐसे कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है आई, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कैपिटल आई. तो देखो इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा बी, ठीक है. और ये बी जो है वो कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई इंटू डिस्टेंस डी, ये रहता है ना. तो देखो किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो क्या होता है आई एल क्रॉस बी, या एफ का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो आई एल बी साइन थीटा. यहां पे देखो थीटा क्या रहेगा 90 डिग्री, तो इसको क्या कर देंगे अपन 1 कर देंगे, तो F इज इक्वल टू क्या रहेगा आई एल बी हो जाएगा, सिंपल, ठीक है. इस लूप के 4 सेगमेंट अपन लेते हैं. सबसे पहले बीसी के ऊपर देखें तो फोर्स किधर रहेगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट की डायरेक्शन में था ऊपर की तरफ, इसके ऊपर ऐसा कुछ फोर्स रहेगा एफ बी सी,
ठीक है। इसके बाद में इसके ऊपर कुछ नीचे की तरफ फोर्स रहेगा एफ ए डी। अब सुनो मेरी बात, इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो इधर और इस एलिमेंट पे जो फोर्स लग रहा है वो, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या है, सेम है। तो इस ऐसे ही हर एक एलिमेंट का फोर्स जो है इस कैंसिल हो रहा है, मतलब इसके ऊपर टोटल फोर्स नीचे जो लग रहा है वो इसके इक्वल आ रहा है, ये दोनों क्या कर देंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन इस एलिमेंट के ऊपर और इस एलिमेंट के ऊपर दोनों के ऊपर फोर्स क्या रहेगा, ए बी और सी डी पे अलग अलग रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मान लो आप बी वन है और यहां पे क्या है बी टू है, अलग अलग रहेगा क्योंकि यहां से डिस्टेंस वेरी कर रही है। तो इस पे देखो फोर्स किधर रहेगा, इधर की तरफ एफ ए बी, और इस पे किधर रहेगा, इधर की तरफ एफ सी डी, ठीक है। तो एफ सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्मॉल आई इसमें करंट है, लेंथ है इसकी मान लो एल, इंटू बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी टू आप रख देंगे एक बार के लिए, बी टू रखेंगे और आई एल, बी टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई, और ए की वैल्यू क्या है, थ्री एल बाई टू। तो यहां से टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एफ सी डी इज इक्वल टू आ जाएगा म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन में थ्री पाई हो गया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन जो रहेगी वो क्या रहेगी, टुवर्ड्स राइट आप बोल सकते हैं। नाउ एफ ए बी की अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, आई एल बी, साइन थीटा की वैल्यू अपन रखेंगे वन, क्योंकि थीटा क्या है 90 डिग्री है, एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो आई एल बी वन, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है वन है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ ए बी इज इक्वल टू आई एल, बी वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट आई अपॉन में टू पाई इंटू डिस्टेंस कितनी है एल बाई टू, टू से टू कैंसिल कर दो, एल से एल कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में इंटू आई अपॉन में पाई, ठीक है। तो यहां पर देखो दोनों की डायरेक्शन क्या है, ये लेफ्ट है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ए नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से इसको आप माइनस कर देंगे, बड़ा फोर्स क्या है ये है, ठीक है। तो एफ नेट जो है वो क्या आ जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आई माई अपॉन में पाई माइनस म्यू नॉट कैपिटल आई स्मॉल आई अपॉन में थ्री पाई। अपन क्या करते हैं, म्यू नॉट आई स्मॉल आई बाई पाई बाहर ले लेते हैं, ये वन माइनस वन बाई थ्री हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगी, बड़ा फोर्स ये है, तो नेट फोर्स बड़े फोर्स की तरफ मिलेगा, तो नेट फोर्स किधर मिलेगा, इधर की तरफ मिलेगा। तो क्या आ जाएगा देखो, ये वन माइनस वन बाई थ्री करेंगे टू बाई थ्री हो जाएगा, तो ये टू म्यू नॉट आई आई अपॉन में थ्री पाई अपना आंसर हो जाएगा। तो इसको अपन चेक करें तो ये क्या आ जाएगा, टू म्यू नॉट आई आई अपॉन में थ्री पाई। तो इसके अकॉर्डिंग अपना एट्थ के अंदर कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है बेटा, एट्थ के अंदर अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ पे चलते हैं। देखो नाइन्थ क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस x ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r इज 1/8 ऑफ a एट द सेंटर वैल्यू, एट द सेंटर वैल्यू ऑफ x। तो देखो ये क्या है, ये एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये सर्कुलर कॉइल है, इसके ये एक्सिस के ऊपर ये x डिस्टेंस पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है B नॉट हो जाएगा। तो B x
रियल पॉइंट पे जो है यहाँ पे बी वन मान लो, ये बी वन जो है वो 1/8 टाइम्स है किसके, बी नॉट के। बी नॉट क्या है बेटा, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये एक्स डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इज इक्वल टू 1/8 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 आर। देखो 2 से ये 2 को कैंसिल कर दो आप, म्यू नॉट आई से म्यू नॉट आई कैंसिल कर दो, ये 8 आर इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 8 आर की पावर 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दोनों तरफ पावर 1/3 करेंगे तो ये 8 की पावर 1/3 मतलब 2 आर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या हो गई बेटा 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं अपन, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे ये क्या आ जाएगा, 4 आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा 3 आर स्क्वायर हो गए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, रूट 3 इंटू आर हो जाएगी, तो आर इंटू रूट 3 अपना थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स पूछा था, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट 3 इंटू आर हो जाएगी, थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। देखो 10 जो है वो क्या कह रहा है, इन फिगर द कर्व्ड पार्ट रिप्रेजेंट आर्क ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस आर इफ इट कैरी ए करंट आई देन मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट ओ। देखो ये कुछ ऐसा सिचुएशन है, ये एक वायर है, इसको कुछ इस फॉर्म में आपने बेंड कर दिया, ठीक है, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, यहां पे एंगल कितना, फाई एंगल सबस्टेंड कर रहा है, ठीक है। ये वास्तव में देखा जाए तो ये जो आर्क है वो इस सर्किल का एक पार्ट है, यू हम कह सकते हैं, जिसकी रेडियस कितनी है बेटा, एक्स रेडियस, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट ओ की अगर अपन बात करें तो इस वायर से पासिंग जो स्ट्रेट लाइन है इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है ये पॉइंट, तो स्ट्रेट लाइन जो है जो कि वायर से पासिंग है, करंट कैरिंग वायर से, तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट होता है वायर पे तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो इसके और इस दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी जो रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन ये जो सेगमेंट है, ये जो पार्ट है, ये जो भाग है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो ये वास्तव में पूरा सर्किल नहीं है, सर्कुलर लूप नहीं है, एक आर्क है, तो इसकी वजह से, इस चाप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो बी नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 और आर इंटू एक्स, ये तो हो गया पूरे सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और किधर की तरफ, ऐसे करंट की डायरेक्शन है तो इनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर अपन देखें तो यहां पे टोटल एंगल कितना सब्सटेंड होता है बेटा, 2π होता है ना, तो ये आर्क 1 रेडियन के लिए जो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, 2π से डिवाइड कर देंगे, और यहां पे 1 रेडियन ना हो कि एंगल कितना है, 5 रेडियन है, तो 5 रेडियन है इसका मतलब 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें, ये मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो देखो ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए 4, तो म्यू नॉट आई अपॉन में 4π x इंटू 5 हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई 5 अपॉन में 4π x, ऐसा कौन सा आंसर आ रहा है अपना, म्यू नॉट आई 5 अपॉन में 4π x, सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चे, हाँ तो बच्चों नेक्स्ट अपन पैराग्राफ 1 पे चलते हैं। पैराग्राफ 1 में 3 क्वेश्चन है। पैराग्राफ 1 क्या बोल रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज सैचुरेटेड बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट मेड टू एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड रीजन एट एन एंगल थीटा with the fit. At the same moment, another particle of same mass and charge is projected in direction of a field from the same point
the magnetic field of induction is B, then जो 11th अपना क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, what should be the speed of second particle so both the particle meet again and again after a regular interval, ठीक है, regular interval की बाद एक दूसरे से मिल रहा है, which should be minimum, तो देखो ये इधर की तरफ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर, इसके साथ थीटा एंगल पे पहला पार्टिकल वी वन स्पीड से एंटर करता है, तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट वी वन कॉस थीटा हो जाएगा और ये वी वन साइन थीटा हो जाएगा, ये बी के परपेंडिकुलर है वेलोसिटी का कंपोनेंट, जिसकी वजह से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा जो कि इसको सर्कुलर पाथ में मोशन करवाने के लिए जिम्मेदार है, और ये v1 cos theta इसको स्ट्रेट मोशन करवाएगा, तो दोनों मोशन होंगी, इसका मतलब इसका फाइनली पाथ कैसा रहेगा, इसका पाथ जो रहेगा वो ऐसे कुछ हेलिकल पाथ रहेगा, ठीक है। दूसरा पार्टिकल जो है वो b के पैरेलल v2 वेलोसिटी से एंटर करता है, तो जब वेलोसिटी b के पैरेलल है तो मैग्नेटिक फोर्स f वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है क्यू वी क्रॉस बी से अगर अपन देखें तो वी और बी पैरेलल होने की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जीरो रहेगा, तो ये क्या रहेगा बी के पैरेलल स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, तो ये इसका पाथ ऐसा रहेगा, ठीक है। तो देखो ये एक साइकिल करने में कंप्लीट करने में इसको टाइम लग रहा है कैपिटल टी, तो यहाँ पे ये पार्टिकल मिला, फिर एक की कंप्लीट साइकिल के बाद में यहाँ पे पार्टिकल मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब इसकी लीनियर जो डिस्टेंस है t टाइम में वो इस पार्टिकल की लीनियर डिस्टेंस के इक्वल है, तो इसकी लीनियर डिस्टेंस क्या हो जाएगी v1 cos थीटा जो है जिम्मेदार रहेगा लीनियर डिस्टेंस के, वो t टाइम में कितनी हो जाएगी ये, और v2 into t, t से आप क्या कर दो t को कैंसिल कर दो, तो यहां पे v2 is equal to क्या हो जाएगा v1 cos थीटा हो जाएगा। अब देखो किसी चार्ज q को v वोल्ट से एक्सेलरेट करते हैं तो उसकी गेन काइनेटिक एनर्जी 1 by 2 m v स्क्वायर जो होगा, ये वेलोसिटी v1 है तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू q into v के इक्वल कर दो, तो यहां से v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2q v by m का रूट हो जाएगा, तो ये v1 की वैल्यू पुट कर दो यहां से, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 2q v by m into cos थीटा हो जाएगा, तो ये क्या आ गया v2 आ गया हमारे पास, तो हमारे पास जो 11th क्वेश्चन है वो क्या है दूसरे कण का वेग क्या होगा, तो 2q v by m into cos theta सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं अपन, फाइंड द टाइम इंटरवल After which they meet. तो देखो टाइम पीरियड जो है वो t का तो आपको फॉर्मूला पता है 2 पाई m by क्या होता है qb, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड नहीं करता है, इंटरवल किस पे डिपेंड करता है केवल b q और m पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन डायरेक्ट फर्स्ट आंसर करेक्ट दे सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है अपने पैराग्राफ 1 का, तो क्या कह रहा है ये, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल मेंशन्ड इन अबव प्रॉब्लम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड पार्टिकल, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v2 इनटू कैपिटल t, v2 इज इक्वल टू क्या था बेटा, v2 जो वैल्यू थी वो देखो इससे क्वेश्चन के अंदर आप देख लो, ये रहा v2 की वैल्यू 2q v by m into cos theta है, ये तो v2 की वैल्यू हो गई, और इसके बाद में t की वैल्यू क्या है 2 पाई m बाय qb, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो यहां पर 2 पाई जो है वो तो बाहर ले लो, ठीक है, और बाय b into cos थीटा ये भी बाहर ले लो, ठीक है। अब देखो यहां पर ये q की पावर 1 by 2 है, इससे ये कैंसिल होगा, तो यहाँ पे पावर बना दो 1 by 2, ये m है इसकी पावर 1 by 2 है, यहाँ पे पावर 1 by 2 बना दो, इस m को कर दो कैंसिल,
ठीक है, तो ये रूट के अंदर क्या हो गया, 2 m की पावर 1/2 है तो रूट के अंदर, और ये v अपॉन में d, सॉरी q, ठीक है, तो रूट 2 m v by q, रूट 2 m v by q into 2 pi by b into cos theta, ऐसा कौन सा आंसर आ रहा है अपना, थर्ड आंसर करेक्ट हो रहा है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन पैराग्राफ 2 पे देखते हैं। देखो, ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड थ्रू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ ई, व्हेन चार्जिंग इज कंप्लीटेड कैपेसिटर इज टेकन आउट फ्रॉम द सर्किट एंड देन प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज कट सच दैट ईच प्लेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स विदाउट चेंजिंग प्लेट सेपरेशन एंड द एरिया बिटवीन प्लेट बिकम एरिया ऑफ द प्लेट से बिकम ए बाई थ्री एंड टू ए बाई थ्री, देन बोथ कैपेसिटर आर कनेक्टेड विद ईच अदर सच ए वे दैट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन प्लेट इज विद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर प्लेट एंड वाइस वर्सा, देन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर हैविंग प्लेट एरिया ए बाई थ्री। चलो देखो बेटा, ये एक कैपेसिटर है, इसको आपने एक बैटरी से कनेक्ट किया और चार्ज किया, चार्ज किया तो इसके ऊपर जो चार्ज आया Q, वो क्या रहेगा बेटा, Q कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब देखो, इसको आपने कट कर दिया, इस कैपेसिटर को, इस कैपेसिटर को आपने कट कर दिया, ये a बाई थ्री एरिया बचा और ये 2a बाई थ्री बचा, इनके बीच की जो सेपरेशन थी वो d है, एरिया है a, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a एप्सिलॉन नॉट बाई d हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहां से इसको कट करने के बाद में एक कैपेसिटर तो ये बन गया जिसकी कैपेसिटेंस है c1, और दूसरा कैपेसिटर ये बन गया जिसकी कैपेसिटेंस है c2। इसकी पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया, और इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर दिया। देखो, एरिया के रेशियो में ही होगा सी, बाकी एप्सिलॉन नॉट और डी तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, अपन यहां पे सेपरेशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो c1 इज इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, सी बाई थ्री, और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c/3, ठीक है। हाँ, इस पे चार्ज क्या रहेगा, एरिया 1/3 हो गया ना, इसका मतलब q/3, और ये क्या हो जाएगा, -q/3, और इस पे -2q/3, और इस पे +2q/3, चार्ज फ्लो करेगा। पहले इनिशियली ये दोनों एक दूसरे के साथ अपन ये मान सकते हैं कि पैरेलल में कनेक्टेड थे, इसका मतलब ये इसके ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो E बैटरी के इक्वल था, वो E इस पे रहेगा, ठीक है। बाद में फाइनली ये चार्ज फ्लो करके इन दोनों क्या हो जाएंगे, सेम पोटेंशियल पे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए तो V नेट जो फाइनल जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, c1v1 - c2v2 / c1 + c2, तो ये क्या हो जाएगा, c1 कितना है, c/3, और ये क्या है, E, और माइनस ये क्या हो जाएगा, c2, 2c/3, और ये क्या हो जाएगा, E। पहले जो पोटेंशियल था उन दोनों पे क्या था, सेम ही तो था, और अभी ये क्या हो जाएगा, c1 कितना है, c/3 + 2c/3 कितना हो जाएगा, c, c से आप क्या कर दो, इस c को कैंसिल कर दो, e/3 से माइनस करेंगे -2e/3, तो माइनस, मतलब पोलैरिटी क्या हो जाएगी, जो पहले वाला जो हम ले रहे हैं इसके अपोजिट रहेगी, मतलब इसकी जो पोलैरिटी है उसके अकॉर्डिंग जो फाइनल जो पोटेंशियल रहेगा उसकी पोलैरिटी रहेगी। तो अपना जो आंसर आया वो v नेट क्या आया बेटा, v नेट जो आया वो e/3 आया, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है वो कौन सा आंसर करेक्ट हो रहा है, सेकंड आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 2a/3 जो कि जो प्लेट है उसका कैपेसिटर जो है उसके ऊपर फाइनल चार्ज क्या रहेगा, फाइनल चार्ज q' रहेगा 2 पे, वो क्या हो जाएगा, c2 into v net, फाइनल पोटेंशियल v net है, c2 क्या हो जाएगा, 2c/3, और फाइनल पोटेंशियल क्या है, e/3, तो ये क्या हो जाएगा, 2c e/9 इसके ऊपर
चार्ज हो जाएगा बाद में क्यू टू डेज। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम सेक्शन बी में चलते हैं। सेक्शन बी के अंदर हमारे 10 क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन जो है वो वन और मोर देन वन चॉइस क्वेश्चन है। इसका मतलब आंसर हमारा एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो अपने को सारे ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और प्लेट एरिया ए एंड प्लेट सेपरेशन इज डी टू ए पोटेंशियल डिफरेंस वी देन द बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। देखो बैटरी को हम ऐड करके डिस्कनेक्ट कर देते हैं और डिस्कनेक्ट करने के बाद में अगर उस कैपेसिटर को देखेंगे तो कैपेसिटर पे जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और अगर बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर के अक्रॉस तो इसका मतलब उसके ऊपर पोटेंशियल जो रहेगा वो रहेगा कांस्टेंट। ठीक है, हाँ, बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, ए स्लिप ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज देन इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। डाइलेक्ट्रिक की स्लिप जो है वो इंसर्ट हम बाद में कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक जो स्लेब है वो बाद में इंसर्ट कर रहे हैं, पहले बैटरी को हमने रिमूव कर लिया है। ठीक है, सो एज टू फिल द स्पेस बिटवीन द प्लेट, कंप्लीटली फिल किया है अपन ने, इफ क्यू ई एंड डब्ल्यू डिनोट द रेस्पेक्टिवली द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन ईच प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट एंड ए वर्क डन ऑन सिस्टम इन द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग स्लेब। ठीक है, चलो देखो, ये एक कैपेसिटर था, इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसकी सी जो है वो क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी है। ठीक है, इन दोनों के बीच की सेपरेशन डी ए, जब पहले वैक्यूम मानते हैं और वी वोल्ट है इसका बैटरी का, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इंटू वी। तो पहले जो इसने बैटरी ने इसके ऊपर जो चार्ज दिया है वो क्या हो जाएगा, सी, सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट वी बाई डी है। और ये क्या रहेगा, अभी कांस्टेंट रहेगा, जैसे ही कांस्टेंट आफ्टर रिमूविंग बैटरी, बैटरी को रिमूव करने के बाद में चार्ज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ये रहेगी। अब हम सेपरेशन बढ़ाते हैं कि कम करते हैं या फिर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लेब इंसर्ट करते हैं तो उसका चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चार्ज क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना पहला आंसर तो देखो बेटा करेक्ट हो रहा है, दूसरा भी क्यू की बात कर रहा है जो कि गलत है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है, दूसरे की बात नहीं करनी। अब तीसरे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या होता है बेटा, जब पहले V by D था, लेकिन जब K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का अपने मटेरियल या कोई भी स्लेब इंसर्ट करते हैं तो 1/K टाइम्स उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद में जो फोर्थ ऑप्शन है वो वागडन की बात कर रहा है, तो वागडन क्या हो जाएगा, चेंज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी, तो बाद में चार्ज तो बाद में भी क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट ही रहेगा, क्यू ही रहेगा, तो बाई टू सी डेज प्लस सॉरी माइनस माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू सी, पहले की कैपेसिटेंस, ये वर्क डन के इक्वल रहेगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो सी डेज क्या हो जाएगी, जैसे ही इसके अंदर कंप्लीटली इस कैपेसिटर के अंदर ये के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल करते हैं तो सी डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट के बाई डी हो जाएगा, मतलब सी डेज जो है वो के इंटू सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू के इंटू सी माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू सी, मैं क्या करता हूँ माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू सी कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वन माइनस वन बाई के हो जाएगा। तो यहां पर देखो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, क्यू की वैल्यू वहां से आप रखो, ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर डिवाइड बाई सी की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, एक d से ये d को कैंसिल कर दो, एप्सिलॉन नॉट से स्क्वायर a से a और ये 1 माइनस 1 बाई k हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई 2 a एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बाई d इनटू 1 माइनस 1 बाई k हो जाएगा।
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन देखें तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी वर्कडन जो आ रहा है वो क्या रहा है, करेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसका अपना आंसर जो है वो क्या हो गया, पहला, तीसरा और चौथा। तो अपना आंसर फर्स्ट थ्री एंड फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर टू, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड इफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर आर मूव्ड फर्दर अपार्ट बाय मीन ऑफ इंसुलेटिंग हैंडल। एक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसको पहले मैंने बैटरी से क्या कर दिया बेटा, चार्ज कर दिया। तो इसके ऊपर जो चार्ज है, जैसे ही आप चार्ज करने के बाद में इसको रिमूव किया, हटा दिया, तो चार्ज इसके ऊपर जो क्यू रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब आप सेपरेशन इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं तो क्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीज, ये तो क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद में इसके बीच की जो ये सेपरेशन है डी और एरिया है ए, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। तो देखो D को आप इंक्रीज करने जा रहे हैं तो C क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा। C डिक्रीज हो रहा है तो कैपेसिटेंस इंक्रीज बोल रहा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो Q इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है। Q क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई वी। जब C आपके यहां पर डिक्रीज हो रहा है, D के इंक्रीज करने से C डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब V जो है, वोल्टेज जो है वो क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। तो V क्या कह रहे हैं, डिक्रीज वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट डिक्रीज नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये रोंग, ये भी रोंग और ये भी रॉन्ग हो गया। अब अपन फोर्थ को अपन चेक करते हैं, इंक्रीज हो रहा है जबकि इसमें डिक्रीज दे रहा है, इसलिए गलत स्टेटमेंट है। अपने को चेंज चेक करना है पोटेंशियल एनर्जी की, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, U इज इक्वल टू क्या होता है, U इज इक्वल टू होता है 1/2 Q स्क्वायर बाई C। Q कांस्टेंट है तो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/C हो गया, C क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो U क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो रहा है, तो अपना आंसर केवल फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करते हैं। ए मैग्नेटिक नीडल इज कैप्ट इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या हो सकता है, मे एक्सपीरियंस फोर्स एंड टॉर्क। बिल्कुल, टॉर्क भी एक्सपीरियंस कर सकता है और फोर्स भी एक्सपीरियंस कर सकता है, ये बिल्कुल बात सही है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। May experience force but not a torque. बिल्कुल, torque zero हो सकता है जब magnetic moment M is parallel to B. उस condition में torque zero हो जाएगा, लेकिन non-uniform magnetic field है ना, तो उस condition में force उसके ऊपर अलग अलग रह सकता है। इसका मतलब net force उसके ऊपर कुछ मिलेगा, तो may experience force but not a torque. ये चीज correct है। उसके बाद में third option भी देखते हैं अपन, क्या है, correct है या नहीं है। May experience torque but not a force. Field अगर uniform भी है तो torque non-zero रहेगा, और non-uniform है इसका मतलब torque रहेगा। Maybe की बात करें तो ऐसे केस बहुत सारे बन सकते हैं जिसमें हो सकता है, लेकिन उसमें force zero होना चाहिए। Force zero कैसे हो सकता है, देखो ये कोई एक बार magnet है, छड़ चुंबक है, इसका ये इक्विटोरियल प्लेन है, ऐसे इस इक्विटोरियल प्लेन के अंदर हम एक ये सर्किल कंसीडर करते हैं जिसकी रेडियस क्या है, आर। इस सर्किल के पेरिफेरी जो है, ये इसकी परिधि पे जो भी बिंदु होंगे उन सभी जो बिंदुओं के पॉइंट्स का मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगा वो क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, बाकी सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग रहेगा। अब इसके ऊपर अगर मान लो एक आग के फॉर्म में, ऐसे चाप की तरह इस फॉर्म में थोड़ा सा वेंट, इसके अलोंग ही वेंट किया हुआ एक मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम है, इसका मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन एक पे इधर और दूसरे पे इधर अपोजिट रहेगी, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब नेट फोर्स जीरो हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और केवल टॉर्क ये एक्सपीरियंस
कर सकता है, ठीक है। तो थर्ड आंसर भी करेक्ट हो गया, विल एक्सपीरियंस नाइदर ए फोर्स नॉर ए टॉर्क, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। तो पहला, दूसरा, तीसरा अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद ए यूनिफॉर्म विथ ए मोमेंटम पी एंटर इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी परपेंडिकुलर टू इट्स मोशन। देखो बी इधर है और बी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये पी वेक्टर है, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों के, ये वी वेक्टर है और बी वेक्टर है, इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो क्या होता है, एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, ठीक है। तो यहां से देखा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा वी के भी, और मैग्नेटिक फील्ड बी के भी परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक फोर्स। तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लगता है तो पावर डिलीवर्ड बाय फोर्स क्या रहता है, जीरो रहता है। इसका मतलब वर्क डन बाय दिस फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स विल बी जीरो। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो एनर्जी गेन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो ये चीज गलत हो जाएगा पहला। इसके बाद में सेंट्रिपिटल फोर्स, ये क्यू वी बी जो है वो ही सेंट्रिपिटल फोर्स का काम करेगा। तो सेंट्रिपिटल फोर्स एफ सी इज इक्वल टू क्यू वी बी, वी को क्या रख सकते हैं, क्यू पी बाई एम इंटू बी, ये सेंट्रिपिटल फोर्स हो जाएगा। जबकि ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं है तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। रेडियस ऑफ पाथ, देखो क्यू वी बी जो है ये सेंट्रिपिटल फोर्स है का ही काम करेगा, तो एम वी स्क्वायर बाई आर का काम करेगा, एक वी से एक वी को कैंसिल कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू एम इंटू वी बाई क्यू इंटू बी। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इंटू पी बाई एम, वी को क्या रखेंगे, पी बाई एम, वही मोमेंटम पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू वी होता है ना, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एम, एम से एम को क्या कर दो, कैंसिल कर दो, और ये क्या हो जाएगा, क्यू इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू बी, तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू पी बाई ई इंटू बी आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया थर्ड और फोर्थ आंसर करेक्ट हो गया, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन मास एम ई एंड प्रोटॉन मास एम पी इनिशियली एट रेस्ट मूव थ्रू ए सर्टेन डिस्टेंस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन टाइम टी वन एंड टी टू। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इन दोनों पे फोर्स जो रहेगा वो एफ इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू ई होता है, चार्ज क्या है, सेम है, और ई सेम है, इसका मतलब एफ क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई एम। देखो मास दोनों का अलग अलग है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। एक्सेलरेशन ज्यादा किसका रहेगा, जिसका मास कम होता है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो लेस देन होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, इसका मतलब एक्सेलरेशन जिसका मास कम होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच ग्रेटर देन प्रोटॉन, बिल्कुल ये बात सही है। तो इसका मतलब ये दूसरा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन, ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में कुछ एक डिस्टेंस एस ट्रेवल करने में एक को टाइम लगता है टी, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस से हाफ ए टी स्क्वायर, ये जीरो हो जाएगा। तो यहां से टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एस अपॉन में ए हो जाएगा, यही रहेगा टाइम, एस डिस्टेंस ट्रेवल में टाइम टी। तो एस दोनों के लिए क्या है, सेम है, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो T1 अपॉन में T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये क्या हो जाएगा प्रोटॉन, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन में एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन अपॉन में एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, ए जो है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन। तो टी इलेक्ट्रॉन अपॉन में टी प्रोटॉन, इसको T1 और T2 भी बोल रहा है ये, तो वो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन गिवन फिगर. देखो यहाँ पे ये करंट जो है वो क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है. इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और ये पेपर के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड डायरेक्शन में करंट है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहेगी वो कुछ इस अंदाज में रहेगी. ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया बी, ठीक है. तो देखो इस वायर में करंट और इस वायर में करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल है. इस सिचुएशन में इन दोनों पे फोर्स तो जीरो हो गया. इसके साथ ही अगर इनकी बात करें तो देखो इसके ऊपर ये डायरेक्शन हो गई करंट की, ठीक है. तो इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे बाहर की तरफ, बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन, ठीक है. और इसके ऊपर कैसे लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे. और देखो ये है यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे, वेलोसिटी ऐसे कुछ, और इसके परपेंडिकुलर ये वी वेक्टर हो गया और ये क्या है, बी वेक्टर है, ठीक है. तो यहां पर देखा जाए तो वी बी की डायरेक्शन में फिंगर्स, थंब किधर है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में. फोर्स किधर लगेगा, इसमें इनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है. तो इसका मतलब इस पे फोर्स ऐसे बाहर की तरफ, इस पे अंदर की तरफ, तो इसके अंदर ऐसे क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. दोनों का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि करंट सेम है और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इसकी वजह से और यहाँ पर सेम डिस्टेंस पे है तो सेम रहेगा. तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स तो हो जाएगा जीरो. तो नेट फोर्स ऑन लूप इज जीरो, बट नेट जो टॉर्क है वो नॉन जीरो रहेगा. तो इसका मतलब गलत हो गया सेकेंड ऑप्शन. थर्ड ऑप्शन, क्लॉकवाइज रोटेशन. टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रहेगा ना, इसका मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन रहेगा जब ओ बिंदु से अपन देख रहे हैं तब, ठीक है ना, ओ बिंदु से देख रहे हैं तब. तो अपना आंसर थर्ड हो जाएगा और फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा. फोर्थ वाला क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. तो अपना आंसर कौन सा करेक्ट हो गया बेटा, फर्स्ट एंड थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है. हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. 3 प्लेट ए बी सी ईच ऑफ एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर हैव सेपरेशन 3 mm बिटवीन ए एंड बी एंड 3 mm बिटवीन बी एंड सी. मतलब इन दोनों के बीच का सेपरेशन जो है वो क्या है, सिमिलर है 3 mm एंड 3 mm, ठीक है, वेरी गुड. इसके बाद में एरिया जो है वो सिमिलर दे रखा है, ए वो क्या है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है. The energy stored when the plate are fully charged. देखो ये दोनों कैपेसिटर जो हैं, वो दोनों कैपेसिटर क्या हैं, एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं. सेपरेशन सेम है, एरिया सेम है, इसका मतलब इसकी भी सी रहेगी, इसकी भी सी रहेगी और ये बैटरी इससे कनेक्टेड है. तो इसकी इक्वलेंट सी क्या हो जाएगी, सी इक्वलेंट इज इक्वल टू 2C हो जाएगा, ठीक है. तो पोटेंशियल एनर्जी 1/U इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 C V स्क्वायर होता है. V हमारे पास 12 वोल्ट दे रखा है और C की वैल्यू क्या रखेंगे, A एप्सिलॉन नॉट बाई D रखेंगे, ठीक है. तो यहां से अगर अपन देखें तो U इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू C की वैल्यू क्या रखेंगे, A, A क्या है 50 इंटू 10^-4 मीटर स्क्वायर, ठीक है. एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 8.85 इंटू 10^-12 है और D क्या है इंटू 3 mm, 3 × 10^-3 हो जाएगा इंटू 12 × 12 है, 12 वोल्ट है. अब इसको अपन अगर सॉल्व करते हैं तो ये पावर 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, -1 पावर बचेगा, ये 0 इस पावर 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. अब देखो ये 3 × 2 = 6, ये कितना हो जाएगा, 6 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा. तो 24 × 5 है, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 24 × 5 × 8.85 × 10^-12 हो जाएगा, ठीक है. तो इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर जो है वो कितना जूल आ जाएगा, 2.12 × 10^-9 जूल आ जाएगा, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चे अपन. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज 1 μC and mass is 1 gram start moving from origin at t equal to 0 under the electric field 10^3 newton per coulomb along x axis and magnetic field b is 10 tesla.
along the same axis velocity with velocity v vector is equal to 20 j k meter per second as shown in the speed. The particle at a speed of particle at time 20 by root 3 second पे आपको स्पीड चाहिए. देखो ये j k y x के along ये वेलोसिटी है, तो y x के along वेलोसिटी है, तो इस y x के along वेलोसिटी की बात करें तो ये b के क्या है, परपेंडिकुलर है. b के परपेंडिकुलर है तो मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो v के परपेंडिकुलर लगेगा, तो उसकी वजह से केवल डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं रहेगा. इसका मतलब vy जो रहेगा वो तो क्या रहेगा, 20 रहेगा और ये कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, अब बात करते हैं vx की. तो पहले अगर बात करें xx के अलोंग वेलोसिटी तो क्या है बेटा, जीरो है. xx के अलोंग वेलोसिटी जब जीरो है तो t टाइम बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vx इज इक्वल टू ux प्लस ax इनटू t. ax क्या हो जाएगा, ये तो क्या है जीरो, प्लस ये क्या हो जाएगा q e y m into t हो जाएगा vx की वैल्यू. ठीक है, तो v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, रूट ऑफ v वेक्टर का मैग्नीट्यूड, नेट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए, स्पीड चाहिए, तो हम डायरेक्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पर देखो ये क्या हो जाएगा, q e by m into t का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर. ठीक है, देखो v इज इक्वल टू रूट ऑफ q की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁶ इंटू e की वैल्यू क्या है, 10⁻³ है ना, और m कितना है, 1 × 10⁻³ इंटू 20 × √3. इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस ये क्या है 20 जो है इसका स्क्वायर कर देंगे. ठीक है, तो पावर माइनस थ्री से ये माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, माइनस थ्री बचेगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, ये कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 20 का स्क्वायर 400 × 3 कितना हो जाएगा, 1200 + 400 कितना हो जाएगा, 1600. तो 1600 का रूट कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा. तो स्पीड का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा. अपना आंसर जो रहेगा वो सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. 9 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है. द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर ऑफ प्लेट एरिया A1, इसका एरिया A1 है और इसका एरिया क्या है, A2 है. ठीक है, वेयर A1 इज लेस देन A2 एट डिस्टेंस D इज, तो इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी. तो देखो यहां पे कॉमन एरिया जो है वो क्या रहेगा, A1 के इक्वल नहीं रहेगा क्या ये एरिया, तो कॉमन एरिया हो गया A1, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, A εo/d, ये कॉमन एरिया है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, εo A1/d हो जाएगा C की वैल्यू. तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है बच्चे. हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं. ए वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर कंसिस्ट ऑफ टू आइडेंटिकल बार मैग्नेट प्लेस्ड ऑन वन और अदर सच दैट दे आर परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर ईच अदर. द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज 2⁵ सेकेंड. वन ऑफ द मैग्नेट इज रिमूव एंड इफ द अदर मैग्नेट ऑसिलेट इन सेम फील्ड देन टाइम पीरियड इन सेकेंड. देखो टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2π√, पहले दो मैग्नेट थे, एक ये ऐसे रखा हुआ है, एक ये ऐसे रखा हुआ है, तो इसका आई प्लस आई कितना हो जाएगा, 2i बाइसेक्टर के अबाउट. ठीक है, और ये दोनों का इसका m कुछ ऐसे रहेगा, m, और मान लो इसका m कुछ ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट √2m नहीं हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे √2m × b क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड. तो टी डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√, ये √2 से √2 ऊपर बचेगा, √2i/mb हो जाएगा. ठीक है, जैसे ही अपन यहां पे टी डेस नहीं है, ये टी की वैल्यू है ओनली, जैसे ही एक को रिमूव कर देंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा. तो टी डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2π√i बाई
m into b, ठीक है। तो पहले जो मैग्नेटिक मोमेंट था रूट टू एम, उस सिचुएशन में टाइम पीरियड कितना था 2 की पावर 5/4। तो देखो t डेज अपॉन में t जो है वो क्या हो जाएगा, अपन डिवाइड करते हैं तो 2π से 2π गया, i से i कैंसिल हो जाएगा, mb से mb कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा ये रूट टू बचेगा, ठीक है। तो ये वन रूट के अंदर 1/√2 हो गया, ठीक है। तो t डेज इज इक्वल टू क्या हो गया, t अपॉन में t की पावर 1/2, और 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, तो ये t की वैल्यू क्या है 5/2 की पावर 5/4 अपॉन में 2 की पावर 1/4। तो देखो यहाँ पे t डेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 5/4 - 1/4, तो ये क्या हो जाएगा 4/4 1, t डेज इज इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है। तो 2 सेकेंड अपना थर्ड आंसर करेक्ट हो रहा है, ठीक है बच्चे। चलो ये सेक्शन बी जो है अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेक्शन डी की अगर अपन बात करें, तो सेक्शन डी के अंदर अपन देखें तो ये क्या हो जाएगा, इंटीजर टाइप के क्वेश्चन है। व्हाट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन माइक्रो कूलम मूव थ्रू द पीस ऑफ कंडक्टर ए बी इफ स्विच इज क्लोज्ड। देखो यहां पर आपको 10 वोल्ट लेना है, ये 10 वोल्ट मिसिंग है, यहाँ पे 10 वोल्ट आप लेंगे। तो 10 वोल्ट लेने के बाद में आप ये देखो, जब सर्किट ये ओपन है तो इधर से कोई करंट पास नहीं कर रही है, स्टेडी स्टेट के अंदर इसके अंदर करंट जीरो हो जाएगी, तो इसके ऊपर पोटेंशियल जीरो होगा, इसका मतलब इसके ऊपर पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इनिशियली इसका चार्ज क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया इस पे, और जो पूरा पोटेंशियल है वो इसके ऊपर 10 वोल्ट यहाँ पे आ गया। तो इस कंडीशन में यहाँ पर जो पहले Q इनिशियल जो है वो इसके ऊपर वो क्या हो जाएगा 10 × 3 = 30 μC हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही इस स्विच को ऑन कर देंगे अपन, और स्टेडी स्टेट आ गई है, तो करंट कुछ ऐसे पास कर रही है। तो देखो ये रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, और इधर कोई करंट जारी नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 वोल्ट यहां पे हो जाएगा, 5 वोल्ट यहां पे होगा, तो ये भी 5 वोल्ट यहां पे हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा 5 वोल्ट यहां पे हो जाएगा नई सिचुएशन में, ठीक है। तो यहां पे उस सिचुएशन में जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा 5 × 3 = कितना हो जाएगा 15 μC, ठीक है। और इस पे कितना हो जाएगा, इस पे हो जाएगा, इधर वाले कैपेसिटर की बात कर रहा हूं मैं, ये था इधर वाले कैपेसिटर की, इसके ऊपर कितना हो जाएगा 5 × 2 = 10 μC, ठीक है। तो देखो ये दोनों प्लेट जो हैं, ये दोनों प्लेट हैं, तो ये दोनों प्लेट के ऊपर पहले इस पे क्या था, जीरो था, इस पे कितना था प्लस चार्ज था, वो 30 कूलम था, μC, ठीक है। अब कितना चार्ज हो जाएगा, ये यहां पे -10 और यहां पे कितना है प्लस का 10 μC, और इस पे कितना है 10 μC माइनस का। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा इस प्लेट पे, माइनस 10 और प्लस का 15, कितना हो जाएगा 5 μC हो गया इस प्लेट पे। यहां पे अब नई सिचुएशन में 5 μC हो जाएगा, पहले था 30, अब कितना हो गया 5। तो बाकी जो चार्ज है वो क्या कर गया, इधर से फ्लो कर गया, ठीक है। तो चार्ज कितना आ जाएगा 30 - 5 = 25 μC हो जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा 25 μC में अपने को आंसर देना है, ठीक है। और ये 10 वोल्ट अपने लिए यहाँ पे क्या था, मिसिंग था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 0.1 μF इज चार्ज्ड टू ए पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट, देन इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द चार्जिंग बैटरी एंड कनेक्टेड टू अनचार्ज्ड 0.4 μF कैपेसिटर इन सीरीज, द व्हाट अमाउंट ऑफ हीट इज डिसिपेटेड इन कनेक्टिंग वायर। देखो इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूले से क्वेश्चन को कर सकते हैं, H इज इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 + C2 × V1 - V2 का होल स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल अप्लाई हमने जीरो कर रखा है, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 × 0.1 × 0.4 अपॉन में 0.1 + 0.4 × 10 - 0, मतलब 10 का स्क्वायर 100। तो देखो ये क्या हो जाएगा 0.04 अपॉन में 0.5 × करेंगे 100 और ये 1/2,
ठीक है। देखो पॉइंट ये जो है 100 से कैंसिल हो जाएगा और ये 0.5 जो है इसको आप क्या लिखेंगे बेटा 1/2 इनटू 4 अपॉन में 1/2, इस 1/2 से 1/2 कैंसिल कर दो, क्या आ जाएगा 4 माइक्रो जूल एनर्जी लॉस होगी। यहां पर देखो अपन ने यहां पे जो ये है हीट जो एनर्जी लॉस हो रही है वो कितनी में आएगी, माइक्रो जूल के अंदर आएगी, ठीक है। तो अपना आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटीजर टाइप का है ना, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटर वेरी अलोंग प्लेट एज के वाई इज इक्वल टू के नॉट वाई की पावर 1/2, वाई इज इन सेंटीमीटर, वाई एक्सिस इज द अज्यूम एज शोन इन फिगर, प्लेट के अलोंग आपने वाई एक्स अज्यूम किया है। If capacitance of above capacitor is n into epsilon naught times in CGS, CGS system of unit में ये है, then what is the value of n given that k is 1 unit, d is 1 centimeter and a is 3 centimeter, b is 1 centimeter. तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ बेस से कितनी y height पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं इसका, ठीक है, और इसकी थिकनेस कितनी है यहाँ पे डी वाई थिकनेस है बेटा, इसकी ये थिकनेस कितनी है डी वाई थिकनेस है, ठीक है। तो ये एक कैपेसिटर जो छोटा कैपेसिटर बना इसकी कैपेसिटेंस है डी सी वन, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कैपेसिटेंस एक दूसरे से अपन इनफाइनाइट कैपेसिटर जो है वो कनेक्टेड मान सकते हैं पैरेलल के अंदर। तो पहले डीसी की वैल्यू अगर देखें तो डीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया ए एप्साइलन नॉट बाई डी, और के इस डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका मतलब के की वैल्यू भी यहां पे रखेंगे, तो डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की वेरी एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, ये तो है डी वाई, ठीक है, और इनटू ए, तो ए इनटू डी वाई ये तो हो गया एरिया, इनटू एप्सिलॉन नॉट, और के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के नॉट इनटू वाई की पावर 1/2। देखो के नोट की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे केवल डायरेक्ट मैं रूट वाई लिख सकता हूँ और अपॉन में डी रख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे डी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एप्साइलिन नॉट वाई की पावर 1/2 बाई डी इंटू डी वाई। अब ये छोटे छोटे जो अपन ने कैपेसिटर कंसिडर करें ये सब पैरेलल में है, पैरेलल में है तो सिंपल एडिशन हो जाता है, सिंपल एडिशन हो जाएगा, इसका मतलब हम सबकी कैपेसिटेंस को एड कर देंगे, तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DC। तो देखो A एप्सिलॉन नॉट बाई डी जो है वो तो क्या है कांस्टेंट है बाहर आ गया, Y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, Y की पावर 3/2 अपॉन में 3/2, ठीक है। अब देखो यहां से अगर अपन देखें तो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 A एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू वाई, का हायर लिमिट और लोअर लिमिट अपन यहाँ पे पुट करेंगे तो 0 से b तक हो जाएगा, ठीक है। तो b की यहाँ पे पहले हायर लिमिट रखेंगे, b की पावर 3/2 माइनस 0 हो गया। अब देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3 है, तो c इज इक्वल टू 2/3 CGS में रख रहे हैं अपन, तो ये 3 इंटू एप्सिलॉन नॉट बाई डी की वैल्यू CGS में कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और ये 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1, रूट वन की वैल्यू भी 1 रहेगी, 3 से 3 गया तो C इज इक्वल टू क्या हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, n की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 अपन देखते हैं। देखो ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड, ये कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटेंस C1 जो है वो क्या है 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, विथ स्टैंड विथ 6 किलोवाट, ये मैक्सिमम जो वोल्टेज वियर कर सकता है वो क्या है 6 किलोवाट है, इसकी अधिकतम वोल्टता ये है, ठीक है। और दूसरा जो है उस 2 माइक्रोफेरेड का है, और ये कितना फॉर मैक्सिमम इसकी वोल्टेज कितनी है 4 किलोवाट, किलोवाट, ठीक है। तो इस पे चार्ज क्या हो जाएगा, Q1 इज इक्वल टू C इंटू V,
तो Q1 is equal to क्या हो जाएगा, C कितना है 1 into 10 to power minus 6 into 6 into 10 to power 3, तो ये क्या हो जाएगा Q1 is equal to कितना हो जाएगा 6 into 10 to power minus 3 कूलम, तो Q1 is equal to क्या हो जाएगा 6 से मिली कूलम हो गया। इस पे ये चार्ज होगा और इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना रहेगा, तो Q2 is equal to C2 into V2, ये कितना हो जाएगा 2 into 10 to power minus 6 into V कितना है 4 into 10 to power minus plus 3 से कैंसिल हो जाएगा, minus 3 बचेगा 8 into 10 to power minus 3, तो Q2 जो है वो कितना हो जाएगा बेटा 8 मिली कूलम आ जाएगा, ये Q2 आ गया हमारे पास। अब देखो जब इनको सीरीज में आप कनेक्ट करोगे तो इस पे भी Q चार्ज रहेगा, इस पे भी Q रहेगा, ठीक है। तो देखो ये Q की वैल्यू डेफिनेटली अगर आप 8 ले लेते हैं तो ये पहले वाले चार्ज पे नहीं हो सकता, इसका मतलब अपने को Q की वैल्यू क्या लेनी है, लेस देन लेनी है किससे, 6 मिली कूलम से, बात समझ में आ गई, या इसके इक्वल ले लेंगे। तो मैक्सिमम कंडीशन चेक करने के लिए Q की वैल्यू 6 मिली कूलम के इक्वल ले लो आप, तो इसके ऊपर V1 जो वोल्टेज नया होगा वो V1 डेस हो जाएगा और ये V2 डेस हो जाएगा, तो V1 डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q by C 1, तो ये क्या हो जाएगा Q की वैल्यू क्या है 6 into 10 to power minus 3 अपॉन में ये कितना है कैपेसिटेंस 1 into 10 to power minus 6, ये ऊपर जाके प्लस 6 हो जाएगा तो माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, V1 डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 किलोवाट हो जाएगा। ऐसे ही V2 डेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 डेस इज इक्वल टू हो जाएगा Q कितना है 6 into 10 to power minus 3 अपॉन में C कितना है 2 into 10 to power minus 6, तो ये कितना हो जाएगा 3 किलोवाट आ जाएगा। तो देखो ये दोनों सीरीज में, ये 6 किलोवाट और ये कितना हो जाएगा 3 किलोवाट, टोटल कितना हो जाएगा 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो मैक्सिमम वोल्ट तक कितनी आ जाएगी 9 वोल्ट आ जाएगी, किलो वोल्ट आ जाएगी। तो किलो वोल्ट में पूछा था तो अपना न्यूमेरिक वैल्यू जो इसकी आएगी वो कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ए पार्टिकल चार्ज क्यू एंड मास एम स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ओरिजिन अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ई आई केफ एंड मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी आई केफ विद वेलोसिटी वी वेक्टर इज इक्वल टू वी नॉट। देखो एक्स एक्स इधर है और ये इधर की तरफ क्या है वाई एक्स है, इधर की तरफ ही वी वेक्टर है और इधर की तरफ ही क्या है ई वेक्टर है और वेलोसिटी वेक्टर किधर है जे कैप के अलावा। तो देखो बी वेक्टर जो है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये इसकी स्पीड को चेंज नहीं करेगा, केवल इसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। तो वाई एक्स के अलोंग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो रहेगा वो तो क्या रहेगा वी नॉट ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद में अगर अपन बात करें एक्स एक्स के अलोंग वेलोसिटी है इनिशियल वो है जीरो, लेकिन इधर की तरफ एक्सेलरेशन ए एक्स इज इक्वल टू क्या रहेगा क्यू ई फोर्स लगेगा और मास से डिवाइड कर दिया ये एक्सेलरेशन रहेगा। तो टी टाइम बाद में वेलोसिटी एक्स एक्स के अलोंग वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, तो वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये तो जीरो हो गया, तो ये क्यू ई बाई एम इंटू टी हो जाएगा। अब देखो टाइम कितने टाइम बाद में आपको स्पीड चाहिए, इतने टाइम बाद में टी की वैल्यू रखो तो एटी टी इज इक्वल टू रूट एन एम वी नॉट बाई क्यू ई टाइम पे वी एक्स क्या हो जाएगा बेटा क्यू ई बाई एम इंटू रूट एन एम वी नॉट बाई क्यू ई, यहां से क्यू ई को क्यू ई से कैंसिल कर देंगे एम से एम गया, वी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट एन इंटू वी नॉट हो गया। तो यहां से वी वैक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या हो जाएगा रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, कितनी स्पीड हो जाती है 2 इंटू वी नॉट, तो 2 इंटू वी नॉट इसका स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर इंटू वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर, रूट था स्क्वायर की वजह से कैंसिल हो गया 4 वी नॉट इज इक्वल टू एन स्क्वायर नॉट एन स्क्वायर, एन स्क्वायर नहीं होगा ये रूट एन था ना, तो रूट एन का स्क्वायर करेंगे तो एन वी नॉट स्क्वायर प्लस वी नॉट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर
v नोट ऑफ v स्क्वायर कॉमन ले लो तो ये क्या हो जाएगा n प्लस 1 हो जाएगा, v नोट स्क्वायर से v नोट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 है, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 आंसर आ जाएगा। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, अपना आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, हाँ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ n साइड इज फॉर्म बाय बेंडिंग, ये बॉन्डिंग नहीं है बेटा, बेंडिंग ए वायर ऑफ लेंथ l व्हिच कैरी ए करंट i, इफ द मैग्नेटिक फील्ड b एट द सेंटर इज दिस, देन कैपिटल n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या करना है, हम ये एक कोई n पॉलीगॉन लेते हैं, n पॉलीगॉन है इसका मतलब नंबर ऑफ साइड होगी n, तो इसकी एक साइड की लेंथ है a, तो n इंटू a इज इक्वल टू होगा l, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा l बाई n हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटर पे एक साइड जो है वो एंगल कितना सबस्टेंड करती है, मान लो अल्फा एंगल सबस्टेंड करती है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल एंगल एक पॉइंट पे होता है 2 पाई, और n साइड है इक्वल लेंथ की, तो एक साइड हो जाएगा एंगल होगा 2 पाई बाई n। यहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी r हो जाएगी, ये यहां से यहां तक की जो है वो कितनी हो जाएगी a बाई 2, तो ये आधा एंगल हो जाएगा, तो ये एंगल जो है वो क्या रहेगा अल्फा बाई 2 रहेगा, तो tan अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर a बाई 2 अपॉन में r। तो यहां से r की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी a अपॉन में 2 tan अल्फा बाई 2 हो जाएगी, r की वैल्यू आ गई। उसके बाद में देखो इसकी वजह से, इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई r साइन अल्फा प्लस बाय 2 साइन अल्फा बाय 2, ये रहेगा। तो n साइड है तो n साइड की वजह से क्या हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में होगा, तो n इंटू म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई, r की वैल्यू आप क्या रखेंगे यहां पे, r की वैल्यू रखेंगे a अपॉन में 2 tan अल्फा बाई 2, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 tan अल्फा बाई 2, और ये साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 क्या हो जाएगा 2 साइन अल्फा बाई 2, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये l बाई n हो जाएगा, n ऊपर आके म्यू नॉट i n स्क्वायर tan अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में पाई इंटू कैपिटल n। तो यहां पर देखो n की वैल्यू क्या आ रही है मल्टीप्लीकेशन में 1 आ रही है, तो कैपिटल n की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी, तो इसके अकॉर्डिंग 6 का जो इंटीजर टाइप जो है उसका आंसर रहेगा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 अपन देखते हैं। ए पीस ऑफ वायर कैरिंग ए करंट दिस 6 एम्पियर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड इट सस्टेंड एंगल थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एट द सेंटर, इफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस पीस ऑफ वायर एट सेंटर इज 0.63 इंटू वाई इंटू 10^-5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। देखो सेंटर पे पूरे कंप्लीट लूप की वजह से बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन में 2r रहेगा। ठीक है, अगर अपन यहाँ पे थीटा एंगल की बात करें तो थीटा एंगल का जो ये आर्क है इसकी वजह से बी आर्क का जो रहेगा वो क्या रहेगा म्यू नॉट आई अपॉन में 2r अपॉन में 2 पाई और इनटू थीटा, तो ये क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई r इनटू थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई बाई 3, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट i अपॉन में 4 पाई r इनटू 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 6 r हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो बच्चों देखो यहां पर b इज इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू रखेंगे अपन 4 पाई इंटू 10^-7 इंटू आई की वैल्यू 6 एम्पियर अपॉन में 6 इंटू r की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10^-2 मीटर आ जाएगा।
ठीक है, 6 से ये 6 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और यहां पर माइनस 2 से ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, 4 पाई इंटू 10^-6 हो गया, तो ये 4 × 3.14 × 10^-6 हो गया, ठीक है, b की वैल्यू। अब देखो ये क्या हो जाएगा, × 10^-6, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, 1.256 × 10^-5 करेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 0.63 × 2 × 10^-5 लिख सकते हैं, क्योंकि अपने को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना था आंसर। तो y की वैल्यू यहां से क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो अपना इंटीजर टाइप का जो ऑप्शन होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चे। हाँ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 अपन देखते हैं। देखो, ए पैक्ड बंडल ऑफ 100 लॉन्ग स्ट्रेट वायर इंसुलेटेड वायर फॉर्म ए सिलेंड्रिकल फॉर्म। देखो 100 वायर का ये एक सिलेंडर बन रहा है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2 सेंटीमीटर है, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। ईच वायर कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर, तो इसमें टोटल करंट कितना हो जाएगा, I = 200, नहीं हो जाएगा क्या, 2 × 100, ठीक है। इन सेम डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर लोकेटेड एट 2 mm डिस्टेंस, यहां से आर स्मॉल डिस्टेंस पे एक कोई वायर लोकेटेड है, उसके ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ जो है वो कुछ ये है, तो वाई की वैल्यू अपने को बतानी है। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बी, वो देखना है अपने को। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना है तो एम्पिरियन लूप लगाते हैं, बी वैक्टर डॉट डी एल वैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई एन, लूप के अंदर करंट आई एन है, तो यहां से बी इंटू 2 pi R is equal to mu naught into I in हो जाएगा, तो यहां से B is equal to क्या हो जाएगा, mu naught I in upon में 2 pi R, ठीक है। I in को क्या रखेंगे, B is equal to mu naught I upon में pi capital R square into small R square upon में 2 pi R। देखो pi से pi को cancel कर दो, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो B is equal to क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन में 2 pi आर स्क्वायर। फोर्स पर यूनिट लेंथ, यहां पे कोई वायर है, उस वायर में करंट है मान लो आई नॉट, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, आई नॉट इंटू बी हो जाएगा, तो यहां पर देखो आई नॉट की वैल्यू 2 एम्पियर है, और एफ बाई एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू नॉट आई आर आई नॉट अपॉन में 2 pi आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू अगर अपन रखते हैं तो 4 × 4 pi × 10^-7 × i की वैल्यू 200 इंटू आर की वैल्यू क्या रखेंगे, स्मॉल आर की वैल्यू है 2 mm × 10^-3 और इंटू आई नॉट की वैल्यू क्या है 2 एम्पियर अपॉन में 2 pi × 1/2 × 10^-2 cm × 1/2 × 10^-2 cm, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, और यहां पर देखो ये पावर माइनस 3 है, 2 जीरो से ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बचेगा, तो इसको अगर अपन सोल्व करते हैं तो फोर्स की वैल्यू एफ बाई एल की वैल्यू जो आएगी वो 64 × 10^-4 न्यूटन पर मीटर आएगी, ठीक है। तो यहां पर इसको हम 4 × y की फॉर्म में रखेंगे तो 4 × 16 आ जाएगा, × 10^-4 आया 4, तो यहां पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 16 आ रही है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ए करंट कैरिंग स्मॉल सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2 cm फ्रॉम इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एज शोन इन फिगर, वायर एंड लूप बोथ आर इन सेम प्लेन। देखो ये अपना ब्लैकबोर्ड का प्लेन है, प्लेन में ये वायर रखा हुआ है यहाँ पे, और इसी वायर में, इसी प्लेन के अंदर ये लूप रखा हुआ है, ठीक है। लूप हैज 100 turns, इट्स इफेक्टिव रेडियस इज 1 cm, टोर्क एक्टिंग ऑन द लूप इज गिवन बाई।
म्यू इनटू एक्स नॉट। देखो टो इज इक्वल टू क्या होता है, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें करंट मान लो ऐसे कुछ फ्लो कर रही है, तो ये आउटवर्ड डायरेक्शन में रहेगा एम, और अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो कुछ ऐसा रहेगा, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, बी वेक्टर जो रहेगा वो ये रहेगा। इसका मतलब थीटा जो है वो या तो 0 डिग्री होगा या कितना होगा 180 डिग्री होगा। दोनों ही सिचुएशन में टो क्या रहेगा, 0 रहेगा। इसका मतलब एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है अपना, द चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी इन सर्किट एज शोन इन फिगर इन माइक्रो कूलम विल बी। देखो ये दोनों कैपेसिटर जो है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, और इसके साथ ये बैटरी कनेक्टेड है, तो ये 5 माइक्रोफेरेड और ये 6 माइक्रोफेरेड और ये 10 वोल्ट की बैटरी है। इफेक्ट सी नेट क्या हो जाएगा, सी नेट जो होगा वो 5 + 6 = 11 माइक्रोफेरेड हो जाएगा, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू क्या होता है, C इंटू V होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C की वैल्यू कितनी है, 11 × 10⁻⁶ × 10, तो ये क्या हो जाएगा 110 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 110 माइक्रोफेरेड आ जाएगी, ठीक है। तो अपना आंसर जो रहेगा वो 1110 रहेगा, ठीक है। थैंक यू, हमने अपना पेपर कंप्लीट सॉल्व कर लिया है।